नमस्कार, सभी का स्वागत इस छोटे से वीडियो में। और आज का वीडियो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आए हुए एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर और उस एप्लीकेशन फॉर्म के बाद होने वाली प्रवेश परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो यह इन्फॉर्मेशन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर। जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यदि आपने अप्लाई किया है यूजी कोर्सेज में और बीएड कोर्सेज में, एमबीए कोर्सेज में, बीटेक कोर्सेज में और एसएसएससी में, यानी कि साइंस स्ट्रीम और ह्यूमैनिटी एंड कॉमर्स के जो सब्जेक्ट होते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के, उसमें यदि अप्लाई किया है 21 और 22 के सेशन के लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपके लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आया है 3 अप्रैल 2021 को। उस नोटिफिकेशन में क्या है उसकी हम बातचीत करेंगे। और शेड्यूल आया है, यानी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट आई है, जो कोर्सेज मैंने आपको बताए, इसी की इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। ठीक है, ह्यूमैनिटी एंड कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे जो एसएसएससी के लिए अप्लाई किए हैं, उन सभी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है 11 जुलाई 2021 को। कब होना है? 11 जुलाई 2021 को। और इसके साथ साथ ह्यूमैनिटी और कॉमर्स के अलावा एक स्ट्रीम और है, साइंस की स्ट्रीम है और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, वे भी ध्यान दें, यदि उन्होंने भी अप्लाई किया है तो उनका एग्ज़ाम भी होगा 11 जुलाई 2021 को। टाइमिंग अलग अलग है। जो बच्चे कॉमर्स और साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के, उनका टाइमिंग है 4 बजे से लेकर 6 बजे शाम को। और जो बच्चे साइंस एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के हैं, उनका टाइमिंग है 10 से लेकर 12 बजे तक। ठीक है, अब है बीएड के बच्चे। यदि आपने बीएड कोर्सेज के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, तो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा 4 जुलाई 2021 को शाम 4 से लेकर 6 बजे के बीच में। ठीक है, उसके अलावा यदि आपने एमबीए के लिए एमबीए इन आईबी और एमबीए इन इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए अप्लाई किया है, तो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन 21 और 20 के एडमिशन के लिए 4 जुलाई 2021 को समय 10 बजे से लेकर 12 बजे का रखा गया है। ठीक है, अगला स्ट्रीम और सब्जेक्ट है बीटेक एंड बीए एग्रीकल्चर, यार्कोलॉजी एग्रीकल्चर में कंफर्म नहीं हूँ, पेपर वन के लिए। यदि आपने इसके लिए अप्लाई किया है तो आपकी प्रवेश परीक्षा होगी 27 जून 2021 समय 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। यदि आपने बीए एलएलबी के लिए अप्लाई किया, यदि आपने 5 ईयर का लॉ का कोर्स जो होता है 12th के बाद का, बीए एलएलबी का, यदि इसके लिए अप्लाई किया है, तो आपकी प्रवेश परीक्षा होगी 27 जून 2021 समय है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। ठीक है, और एक गलती हो गई टाइमिंग की कि बीटेक के बच्चे और बीए आर्कियोलॉजी के बच्चे, ध्यान दें कि उनके सब्जेक्ट का टाइमिंग 3 घंटे का है, 2 घंटे का नहीं है, 10 से लेकर 1 बजे तक का है। ठीक है, अगला सब्जेक्ट है आपका बीएससी ऑनर्स। यदि आपने बीएससी ऑनर्स के लिए अप्लाई किया है, तो आपकी प्रवेश परीक्षा होगी 20 जून को। बीएससी ऑनर्स के लिए अप्लाई किया है तो प्रवेश परीक्षा होगी 20 जून 2021 समय है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। यदि आपने बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई किया है, तो प्रवेश परीक्षा उसी तारीख को होगी 20 जून 2021 समय 10 से लेकर 12 बजे तक। और यदि आपने बीए ऑनर्स के लिए अप्लाई किया है, तो प्रवेश परीक्षा 20 जून 2021 समय 4 से लेकर 6 बजे तक। यानी कि बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स की प्रवेश परीक्षाएं हैं 20 जून 2021 को। समय तीनों का अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक कोर्स और है इसमें, ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स क्या है ये मुझे भी नहीं पता है। ब्रिज कोर्स की प्रवेश परीक्षा 21 जून 2021 को रखी गई है, समय शाम 4 से लेकर 6 बजे के बीच में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यह थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। 3 अप्रैल को आया है ये नोटिफिकेशन, जो कि शेड्यूल बताता है 21 और 20 के बैच के लिए। यदि आपने एमयू में किया है अप्लाई, तो प्रवेश परीक्षाओं की डेट आ चुकी है, कर दीजिए जोरदार तारीख। एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसे आएगा, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मिल जाएगी। हो सकता है आपको ईमेल के माध्यम से भी कुछ सूचना मिले, इसलिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट वीक में 1 से 2 बार जरूर चेक कर लीजिएगा, अपनी ईमेल आईडी भी चेक कर लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस इन्फॉर्मेशन में इतनी ही सूचना, किसी और वीडियो में किसी और विषय के साथ बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है उसके लिए
रेफरेंसेस कह लीजिए, रिसोर्स कह लीजिए, संदर्भ कह लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है सब्जेक्ट और टाइमिंग बोलते वक्त जबान ऊपर नीचे हो सकती है, इसीलिए नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, नीचे अटैच कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।